अरे भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आप लोग इतना उछल कूद क्यों रहा है? उछलूंगा क्योंकि अभी दुनिया का सबसे पावरफुल वाटर पंप बनाकर आ रहा हूं और इसका ट्रेलर आपने देख ही रखा है। देखो अभी तक हमने सारे मोटर से वाटर पंप बना लिया है लेकिन बीएलडीसी मोटर से एक भी वाटर पंप नहीं बनाया है और आज की वीडियो में बीएलडीसी मोटर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने वाले हैं और ये वाटर पंप अभी तक में सबसे अलग होने वाला है डिजाइन के मामले में और पावर के मामले में। चलिए शुरू करते हैं। अगर देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आगे की वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर देना। वीडियो को लाइक करना तो बनता है क्योंकि इतनी पावरफुल चीज दिखाने जा रहा हूं ना कि अपने आप ही लाइक का बटन दब जाएगा, इसलिए अभी से दबा दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस कमाल के बुजुर्ग को बनाने के लिए अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं और इसे बनाने के लिए सिंपल सी चीज चाहिए जो कि बीएलडीसी मोटर है, जिसी से बनाने वाले हैं। देखो 1800 केवी का एक बीएलडीसी मोटर मैंने ले लिया है और इसको चलाने के लिए 30 एम्पियर की ईएससी ले ली है और साथ ही एक सर्वो कंट्रोल। ये सारी चीजें चाहिए होगी तभी जाके ये मोटर से हम काम ले पाएंगे। और इसके बाद इसे बनाने के लिए पीवीसी मटेरियल का यूज करेंगे जो कि सबसे अच्छा मटेरियल होने वाला है। देखो इन सारी चीजों को फिलहाल साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हम इससे कैसे बनाएंगे एक वाटर पंप। देखो जो नॉर्मल हमारा मोटर होता है उसकी शाफ्ट घूमती है लेकिन बीएलडीसी मोटर में क्या होता है, पूरा ऊपर का हिस्सा ही घूमता है। इस तरह से इसको यूज करने में परेशानी होने वाली है तो पहले हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसकी ये वाली शाफ्ट पीछे साइड से निकालते हैं और उसके बाद आगे का काम करते हैं। गाइस यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन कर लिया है, जरा आपको एक बार इसको टेस्ट करके भी दिखा दूं। ये देख सकते हो ये बिल्कुल फुल स्पीड में चल रहा है, ठीक है। और अब ये रेडी है हमारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो चलो बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम पीसी से इसके सारे पार्ट्स बना लेते हैं, इंपेलर वगैरह बना लेते हैं और सारी चीजें डिजाइन कर लेते हैं। और एक और बात, अगर आप ये सारी चीजें खरीदना चाहते हो आप मेकर बाजार की ऐप से आराम से खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे काफी अच्छे प्राइस में सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलती है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने मोटर को इसमें कस लिया है, ऊपर से शाफ्ट भी बाहर निकाल दी है। ये जो पूरा पीवीसी देख रहे हो हमारे वाटर पंप का एक हिस्सा होने वाला है जिससे बाद में हम इसमें ये सारी चीजें फिट कर पाएंगे, इसलिए मैंने इतना बड़ा छोड़ा हुआ है। अब क्या करना है, ये जो हमें ऊपर वाला हिस्सा है ना इसमें एक ये चक दिया होता है, ठीक, इसी चक में हमें इम्पेलर वगैरह लगाना है लेकिन ये जो है 1 इंच से भी चौड़ा है तो हमें इसका जो साइड का पार्ट बनाना होगा जिसमें इम्पेलर होता है 1 इंच से चौड़ा बनाना होगा। देखते हैं किस तरह से करना है, आगे आप बने रहो वीडियो। यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे एक पीवीसी की रिंग लगा ली है। देखो ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि इम्पेलर जो है इससे थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है, तो ये वाला हिस्सा भी हमने कट कर लिया। अब इसके ऊपर इम्पेलर लगने वाला है, ये देख सकते हो ये इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, हमें ऊपर इतना स्पेस मिल जाएगा इम्पेलर लगाने के लिए, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब अंदर पानी ना जाए मोटर की तरफ तो हम क्या करेंगे, ये लगा देंगे रबर का पार्ट, ये मैंने ट्यूब से कट किया है और इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा के ऑयलिंग कर देंगे जिससे इसे घूमने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देख सकते हो हमने अपना काम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसके डिजाइन देख के आपको समझ आ गया होगा कि हमने इम्पेलर की दूरी को कुछ एमएम ऊपर कर दिया था, इसलिए हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। देखो अब अंदर का इम्पेलर बनाते हैं जो कि एक पंखे की तरह होता है, कैसे बनाना है सब कुछ आपको दिख जाएगा।
गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमने अपना इम्पेलर बना लिया है और ऊपर मैंने रिंग लगा दिया है एक और, जिससे कि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए। यहाँ पे BLDC मोटर तो बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करने वाला है और अब हम इसको इसके अंदर फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट का हमारा क्या होने वाला है, एक आउटलेट बनाना है और इधर इनलेट बनाना है, उसके बाद ये हमारा कम्प्लीट हो जाएगा और बाकी चीजें जो भी छोटी मोटी होगी वो रह जाएगी सिर्फ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने अपने वाटर पंप को रेडी कर लिया है। देखो काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने क्या सोचा, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसमें हम ये ESC और ये सर्वो कंट्रोल दोनों को फिट करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हम डिजाइन दे देंगे जिससे कि हम इसको ग्रिप भी कर पाएंगे, ठीक है, और बाद में अपने जरूरत के अकॉर्डिंग बाकी जो मॉडिफिकेशन होगा वो करेंगे। फिलहाल ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब मुझे बस इसको यहाँ से बंद करना है और ये रेडी हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे कि इसका कनेक्शन जो है वो बहुत आसान होता है। ये जो पीला वाला वायर है ना, इसको ESC के बीच वाले वायर से कनेक्ट कर देना है, इसको नहीं छेड़ना है। बाकी अगर आपको मोटर का रोटेशन ठीक करना है, चेंज करना है, तो इसको और इसको आपस में बदलते रहना है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। अब वाटर पंप में मोटर की रोटेशन किधर होना चाहिए, जो प्रोपेलर है ये हमेशा ये जो नोजल इस तरफ किया होगा ना, तो इसको इस तरफ घूमना होगा। अगर आप नोजल को इस तरफ करते हो तो फिर प्रोपेलर को इधर घुमाना होगा, ठीक है, ये वाटर थ्रो को अच्छा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलो जल्दी से इन सबको कनेक्ट करते हैं और इसको बंद कर देते हैं। फाइनली देख सकते हो ये हमारा प्रोजेक्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो डायल भी मैंने लगा दिया, आराम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से पावर दे सकते हैं और यहाँ जो ये खाली हिस्सा छोड़ा है इससे मोटर ठंडा होने वाला है। अब यहाँ पे इसका लुक थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इसमें पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो गाइज फाइनली हमारा प्रोजेक्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पे एक बार आप इसका लुक देखो। देखो वाटर पंप ऐसा वाला आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने इस तरह का सिस्टम वाटर पंप में बनाया है और इसकी जो पावर है बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसका जो लुक है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पीछे डायल दिया हुआ है, हम इसे आराम से इस तरह से ग्रिप कर सकते हैं और इस डायल से कंट्रोल कर सकते हैं वाटर फ्लो को। साथ ही यहाँ पे ठंडा भी होता रहेगा हमारा मोटर। और अब हम इसको चलाने वाले हैं इस 12 वोल्ट 12 एम्पीयर की बैटरी से। जल्दी से इसकी टेस्टिंग करते हैं। देखो पानी में टेस्ट करने से पहले इसका एयर थ्रो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मोटर है तो इसका एयर थ्रो भी काफी अच्छा होगा। तो गाइस मैं बैटरी वायर लगाता हूं और देखो यहां पे एक बीप का साउंड आ गया, जिससे कि पता चल जाता है कि हमारा BLDC मोटर ऑन हो चुका है। और मैं इसको धीरे धीरे चलाता हूं। ओ भाई साहब अभी से हवा आनी शुरू हो गई, अभी मैंने डायल ज्यादा घुमाया। अरे भाई साहब इसकी जो हवा है ना, मुझे आपको कुछ उड़ाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके हवा का प्रेशर शायद इतना ज्यादा होगा कि इस लिफाफे को गुब्बारे की तरह फुला सकती है। देखते हैं क्या होता है। ऐसे करता हूँ, देखो ओ ओ भाई साहब इसका जो प्रेशर है ना बहुत ज्यादा है, साथ ही इसकी सक्शन पावर भी बहुत ज्यादा होगी। इसे बिना देरी किए इसकी वाटर टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसको पानी से एक बार भी टेस्ट नहीं किया। इस पर सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं टेस्ट कर लिया करता था, ये बात बोलता था, लेकिन इस बार मैंने खुद भी टेस्ट नहीं किया है। तो चलो जल्दी से टेस्ट करते हैं कि इसका वाटर थ्रो कैसा है। पानी के साथ टेस्ट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा पाइप लगाना पड़ेगा। देखो इस तरह से हमें पूरा इसे पानी में डुबाना पड़ेगा, जिससे कि मोटर का कंट्रोल भीग सकता है। तो ये हम करेंगे तो ये दूर से ही पानी को खींच लेगा और हमारा ये दूर भी रहेगा। इसको जल्दी से फेविक से चिपका देता हूँ। तो गाइस हम आउटडोर आ चुके हैं, हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है और चलो जल्दी से इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं इसका वाटर थ्रो कैसा है। तो गाइस यहाँ पे ये तो हो चुका है ऑन और मेरा दिल धक धक कर रहा है, क्योंकि एक बार भी मैंने टेस्टिंग नहीं की है पानी के साथ। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं। ओ भाई साहब अभी तो स्पीड बढ़ाई भी नहीं मैंने, अब करते हैं, ठीक है।
यहाँ से हल्का सा लीकेज हो रहा है, इसका बंद कर देता हूँ। 1 2 3 ओ ओ अरे भाई, अरे भाई साहब देखो, मुझे फुल करने का मौका भी नहीं मिला अभी तक और बाल्टी खाली हो चुकी है बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से। और भाई साहब मतलब ऐसा इसका पावर है ना, मैंने आज तक किसी वाटर पंप में ऐसी पावर नहीं देखी है। इस बार ध्यान से देखना, मैं फुल करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये मैंने बढ़ाया, ये फुल। ओ भाई पानी खत्म हो गया गाइस, ओ भाई साहब। पर ना वायर ही जल चुकी है, देख सकते हो, क्योंकि ये कॉपर की वायर नहीं है और BLDC मोटर जो है ना हाई एम्पेयर ले रही है पानी को इतना तेज फेंकने में, और आज तक का सबसे पावरफुल वाटर पंप ये बना है। अरे भाई साहब ये क्या हो गया यहाँ पे? हाँ हाँ कंटिन्यू। आपको इसका प्रेशर कैसा लगा? आवाज सुनी आपने पानी की? मतलब इसके आगे कोई बंदा खड़ा होता ना तो वो भाग जाता है, इतनी ज्यादा जोर से चोट लगती है इसके पानी से। और ये अभी तक का मैं कह सकता हूँ जितना हमने अभी तक वाटर पंप बनाया सबसे ज्यादा तगड़ा वाटर पंप बना है। इसका जो डिजाइन है मैंने बिल्कुल सोच समझ के बनाया था, भाई इतना तेज प्रेशर है तो इसको पकड़ना भी तो पड़ेगा ना ढंग से। और सारी चीजें बिल्कुल सेफ है, मोटर भी पीछे वाले साइड में है, जान के मैंने बड़ा वाला पाइप लगा दिया जिससे हमें पानी के ऊपर रखना पड़े। इसे पता नहीं डिजाइन कैसा लगा, आप इसे घर पे बनाओगे या नहीं बनाओगे, इस वीडियो को देखने के बाद बना ही सकते हो। सामान का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में ही जाके ऑर्डर करो और बनाओ। अगली वीडियो मिलना है तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है आपका? सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक करना तो बनता है और आगे बोलूंगा नहीं, लाइक जरूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।